किया था तुम ये सब बात छोड़ दोगे? पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। बोल दो कि मैं उससे बड़ा होता हूं। यह तस्वीर शुरू जरूर उसने की लेकिन इसमें आखिरी रंग मैं भरूंगा। धुरंधर एक आगामी बॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक आदित्य धर हैं। इस फिल्म में एक नहीं कई सारे एक्टर एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है। फिल्म के लिए आदित्य धर रणवीर सिंह के साथ ही साथ कई सारे बॉलीवुड एक्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं जिनमें से कई सारे एक्टर्स का नाम फाइनल कर लिया गया है। चलिए जानते हैं रणवीर सिंह आदित्य धर की फिल्म में कौन कौन से एक्टर नजर आएंगे और कब रिलीज़ होगी फिल्म। आदित्य धर की फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त और माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। फिल्म में संजय दत्त प्रतिपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं और माधवन और अर्जुन रामपाल की मुख्य भूमिका को गुप्त रखा गया है। रणवीर सिंह की आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की शूटिंग कब शुरू होगी? रणवीर सिंह आदित्य धर की एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू हो जाएगी यानी फिल्म 2025 के अंत तक फ्लोर पर आ जाएगी। यदि हम फिल्म के रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो 2025 तक सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज़ हो सकती है लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इस पर किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। रणवीर सिंह आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की यदि हम कहानी की बात करें तो ये एक रियल बेस स्टोरी होने वाली है जिसमें रणवीर सिंह एक रॉ के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण एजेंट की भूमिका निभाने वाले हैं। रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण विदेशी खुफिया संस्था है जो देश को विदेशी हमलों से बचाने के लिए छिपी हुई जानकारी और आवश्यक डेटा एक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एजेंसी भारतीय नीति निर्माताओं को सही रास्ते पर लाने के लिए दिन रात काम करती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।